हिसार के सेक्टर 4 में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं भीम अवार्डी स्वीटी बोरा गुरुवार को शादी के बंधन में बंध गई। स्वीटी ने रोहतक के दीपक हुड्डा के साथ 7 फेरे लिए। दीपक भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। शादी समारोह में स्वीटी को बधाई देने के लिए कई खिलाड़ी पहुंचे और स्वीटी के साथ सेल्फी ली। माता पिता व रिश्तेदारों ने स्वीटी बोरा और दीपक हुड्डा को आशीर्वाद दिया। साउथ बाईपास स्थित रतन पैलेस में शादी समारोह आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वीटी बोरा पंच का दम दिखाते हुए देश की झोली में कई पदक डाल चुकी है। स्वीटी ने बताया कि शादी के बाद जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसके साथ वह बॉक्सिंग भी करती रहेंगी। दीपक हुड्डा ने अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में बताया था कि जब वह 4 साल के थे तो माँ का निधन हो गया। पिता मामूली किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे परिवार का पेट पालते थे। परिवार में पिता के अलावा एक शादीशुदा बहन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी कि 12वीं कक्षा में सिर से पिता का साया उठ गया, जिससे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। बहन के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और अच्छी नौकरी के लिए कबड्डी खेलना शुरू किया। नौकरी के लिए दिन रात अभ्यास और संघर्ष से उनका जुनून देश के लिए खेलने में बदल गया और उनकी जिद ने इस मुकाम तक पहुंचाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम योगदान दिया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।